वेलकम टू एस जी इंसेप्शन योर एक्वेरियम चैनल। फिर एक बार मैं आया हूँ सूरज एक्वेरियम में, जो लोकेटेड है वसई वेस्ट में। और आज का ये जो वीडियो है, हम एशियन अरवाना फिश के ऊपर बनाने वाले हैं। सूरज एक्वेरियम में 8 से ज़्यादा एशियन अरवाना फिश है, तो वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो हम देख रहे हैं सबसे पहली वाली खूबसूरत अरवाना एट सूरज एक्वेरियम, और हमारे साथ है सूरज एक्वेरियम के ओनर मिस्टर सूरज। हेलो सूरज भाई, हाउ आर यू? I am fine, how are you? I am good as well. तो सूरज भाई, कैसा रिस्पॉन्स रहा आपके लास्ट के वीडियो पे? काफी सारे व्यूवर्स को आपकी स्टोर जो है काफी पसंद आई, और खास करके आपकी जो मॉन्स्टर फिश कलेक्शन है, जो जायंट फिश की वैरायटीज आप रखे हो, काफी सारे लोगों को बोल सकते हैं, मतलब सभी को काफी ज्यादा पसंद आया। कैसा रिस्पॉन्स रहा? काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया उस चीज पे। जी जी, खास करके मॉन्स्टर फिशेस पे। जी जी, थैंक्स टू यू। नो प्रॉब्लम भाई, और मुझे काफी खुशी हुई आपके स्टोर में आके, क्योंकि जब भी कोई मॉन्स्टर फिश मैं देखता हूँ मुझे भी काफ़ी खुशी होती है, और स्पेशली एशियन अरवानास और जो नॉर्मल अरवानास होते हैं, और आपके यहाँ पे काफ़ी सारे अरवानास हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि हम अरवानास के ऊपर वीडियो बनाएंगे। और आपके यहाँ पे एशियन अरवानास की भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, तो सबसे पहले ये जो फिश हम देख रहे हैं इसके बारे में जानना चाहूँगा, क्या नाम है इस अरवाना का? 24 के क्रॉसबैक अरवाना, 24 कैरेट क्रॉसबैक अरवाना। और कुछ इसके बारे में बता सकते हो, क्या खासियत होती है भाई इसकी? जो 24 कैरेट इसलिए बोला, जो इनका गोल्डन कलर है क्रॉसबैक से ज्यादा ग्लो करता है। ओके, छोटे साइज में इतने तो कलेक्शन के दिखते नहीं है। जी जी जी, जैसे मैच्योर होएंगे और गोल्ड कलर पकड़ते जाते हैं। ओके, और क्या साइज तक हो जाते हैं ये? अभी एशियन अराउंड समझो 24 इंचेस तक तो बढ़ते ही है। 24 इंचेस तक, ओके। और ये जो डेवलपमेंट है भाई, ट्रांसफॉर्मेशन स्केल्स की, जब अरवाना कितने साइज की पहुंचती है तब शुरू होती है? After 12 inches. 12 इंच के बाद। हाँ। और प्रोवाइडेड कुछ लगता है कि फीडिंग अच्छी, वाटर क्वालिटी या टैनिंग लाइट? वाटर क्वालिटी अच्छी चाहिए, और टैनिंग लाइट रहेगी तो और अच्छे टैन करते हैं इनको। ओके। बाकी एक टाइम पीरियड के बाद इनको कलरेशन डेवलप हो ही जाता है, बट टैनिंग लाइट रहेगा तो और भी अच्छा कलर पकड़ते हैं। ओके, तो ये थी सबसे पहली वाली एशियन अरवाना टाइप जो हम कवर किए। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एशियन अरवाना टाइप के ऊपर। तो यहाँ पे है अगली एशियन अरवाना की टाइप, तो ये वाली सूरज भाई कौन सी वाली है? ये ब्लू बेस क्रॉसबैक अरवाना है। ब्लू बेस क्रॉसबैक अरवाना, इस अरवाना में भाई नाम में ही ब्लू बेस है, तो कैसी मतलब होती है स्केल्स की पैटर्न? की स्केल्स की पैटर्न अभी से आपको दिखती रहेगी, जो ब्लू शेड है, ब्लू और ग्रीनिश शेड। जी 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 जी, एक्चुअली आप सामने से देखोगे जी 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 नेकेड आइज तो आपको प्रॉपर कलरेशन दिखेगा, कैमरा कवर नहीं करता। जी 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 जी, एंड थोड़ी सी ब्लैक बैकग्राउंड की वजह से रिफ्लेक्शन भी आ रही है, बट मैं ट्राई करूंगा थोड़ा नीचे से आपको दिखाने की। तो भाई कौन सा ब्लू बेस जो उसको बोलते हैं, तो कहाँ पे ब्लू की इसकी शेड आती है कि टिंज आती है? शेड आता है इनको, ब्लू जो शेड, जो स्केलिंग, जो उसका जो रिम है वो गोल्डन रिम है। ओके, जो अंदर की इसकी स्केलिंग है वो ब्लूइश कलर की है। अच्छा, शायद थोड़ा आपको दिखता रहेगा। जी 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 जी, और स्केल्स भी अभी हम देख सकते हैं कि काफ़ी मतलब उठ के दिख रहे हैं स्केल्स अभी, यही ग्रो, यही साइज में। तो भाई ये सारी अरवाना सर्टिफिकेट अरवाना है, सर्टिफाइड अरवाना, सर्टिफाइड है, माइक्रोशिप्ड अरवाना है सर। ओके, अब हम देख रहे हैं तीसरी अरवाना। तो यहाँ पे आप इस अरवाना को देख सकते हो, ये भी एशियन अरवाना है। तो सूरज भाई कौन सी अरवाना है ये? ये गोल्डन हेड अरवाना है। गोल्डन हेड अरवाना, तो इसकी कैसी ट्रांसफॉर्मेशन होगी? गोल्डन हेड इन सेंस लाइक, ये जैसे 24 कैरेट क्रॉसबैक अरवाना है जी जी, तो जैसा उनका गोल्डन कलर रहता है वैसा इनका भी रहता है, लेकिन जो इनका अपर पार्ट जो है जी जी, जो सिक्स स्केल बोला जाता है। ओके, इनका हेड से लेकर टेल तक पूरा गोल्ड होते हैं, इसलिए इनको गोल्डन हेड बोला जाता है। अच्छा, और सूरज भाई फीडिंग, अगर एशियन अरवाना की फीडिंग की बात करें तो फीड क्या करना चाहिए इनको? फीडिंग लाइक जैसा प्रेफरेबल है, जैसा कन्वीनियंट है आपके लिए। जी जी, आप लाइव फीडिंग पे भी जा सकते हो जी, बट इम्पोर्टेंट ये है कि क्वारंटाइन रहे वो। अच्छा, और दूसरा जो चीज़ है स्टिक्स हो गई, शिकारी स्टिक्स है, फिर ओशन फ्री के स्टिक्स आते हैं। जी जी, ये भी अच्छे फूड है, ये भी खिला सकते हो। फिर ब्लड वॉर्म्स हो गए। ओके, देन मार्केट प्रॉन्स जो मिलता है आपको वो फीडिंग कर सकते हो। ओके, बेस्ट फूड है सर अरवाना के लिए। जी, तो ये थी तीसरी अरवाना की टाइप जो हमने कवर की। अब हम बढ़ेंगे फोर्थ एशियन अरवाना की तरफ। यहाँ पे एशियन अरवाना नंबर 4 जो हम कवर कर रहे हैं, ये चौथी एशियन अरवाना टाइप है सूरज एक्वेरियम। तो भाई ये कौन सी वाली है? रेडटेल गोल्डन अरवाना, आरटीजी बोला जाता है इनको। ओके, आरटीजी मुझे काफ़ी पसंद होती है भाई, जब ये बड़ी हो जाती है। तो हमारी व्यूवर्स को बताना चाहोगे कि ये बड़ी होने के बाद कैसी दिखती है? इनका भी जो गोल्ड पैटर्न ही आएगा, लेकिन थोड़े जो अपर जो हेड रहते हैं इनके वो ब्लैक होते हैं इनके। अच्छा, और नॉर्मल जैसा आपने पहले एशियन अरवाना जो दिखाया है 24 कैरेट वगैरह, जी जी, वैसे इनको स्केलिंग उतने गोल्डन नहीं होंगे। ओके, अंदर का स्केलिंग का जो ब्लैक होता है जी, और जो आउटर जो रिम है वो पूरा गोल्ड होएगा। ओके, और
अगर एशियन अरवाना भाई हम लोग रखते हैं तो उनके साथ कौन सी फिश रह सकती है, क्योंकि एशियन अरवाना बोलते सिल्वर अरवाना से काफ़ी एग्रेसिव होती है। एग्रेसिव होती है लाइक, लेकिन कैसा है कि साइज भी मैटर्स है। अच्छा, और टैंक साइज भी इम्पोर्टेंट है, देन फीडिंग इम्पोर्टेंट है आपको। जी जी। तो अगर वो सब प्रॉपर आप उसके हिसाब से रख रहे हो जी, तो रह जाएगी। इसलिए अभी मेरे पास और भी जो टैंक्स में अरवाना से सब साथ में ही है। ओके, तो ये थी आरटीजी जो है फोर्थ एशियन अरवाना टाइप एट सूरज एक्वेरियम। अब हम बढ़ेंगे फिफ्थ एशियन अरवाना टाइप जो यहाँ पे है। तो ये वाली भाई कौन सी वाली है? गोल्डन हाईबैक है। गोल्डन हाईबैक, इसकी कैसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है? इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लाइक आरटीजी से थोड़ी अपर ग्रेड है ये। अच्छा, मतलब स्केलिंग वगैरह ये फिफ्थ स्केल पे जाता है। ओके, आरटीजी नॉर्मली फोर्थ स्केल है, ये फिफ्थ स्केल है। ओके, अभी जैसा जो अभी ग्रेड आ रहा है अराउंड उसके थोड़े अच्छे अच्छे ग्रेड के ही आ रहे हैं। ओके, और भाई गोल्डन क्रॉसबैक और गोल्डन हाईबैक में क्या डिफरेंस रहता है? अभी जैसा पहले आपको मैंने बताया कि जैसे 24 कैरेट है जो उसका गोल्ड शाइनिंग है जी जी, वो प्रोमिनेंट एकदम गोल्ड दिखेगा आपको। ओके, इनमें थोड़ा ब्लैकिश दिखता है। अच्छा, हाईबैक्स में? हाँ। और क्रॉसबैक में थोड़ा फेडेड दिखता है कि थोड़ा फेंट दिखता है? फेंट रहता है। क्रॉसबैक का जो कलरेशन जो है जी जी, वो और ग्लो होगा। ओके, और इनका उतना ग्लो नहीं होता। अच्छा, ऑलराइट। तो ये थी पांचवी एशियन अरवाना। अब हम बढ़ेंगे और देखेंगे सिक्स्थ एशियन अरवाना टाइप। यहाँ पे है सिक्स्थ एशियन अरवाना टाइप। तो ये वाली भाई कौन सी वाली है? मलेशियन गोल्ड अरवाना है। मलेशियन गोल्ड, तो भाई वो जो पहले हमने जो एशियन अरवाना कवर की इससे पहले आरटीजी और गोल्डन हाईबैक, उनकी क्या साइज थी भाई? वो सब 6 inches के साइज थे। और ये वाली 10 inches का साइज है इसका। 10 inches। ओके, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन भाई अभी शुरू होगी 10 inches के बाद? हाँ, अभी चालू हो जाएगा। तो क्या टैनिंग लाइट जरूरत होती है? टैनिंग लाइट की लाइट जरूरत गोल्ड को तो इतनी नहीं पड़ती है, जैसे अच्छा। कि रेड वगैरह इनको तो कंपलसरी चीज है। ओके, इसलिए एक मैच्योरिटी पीरियड रहता है अरवानास के लिए जी जी, उसके बाद से कलर डेवलपमेंट चालू हो जाता है। अभी इसका भी जैसे 1-2 inches के बाद इसका कलरेशन जो ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होते जाएगा। अच्छा, ट्रांसफॉर्म होते जाएगा ये भी जी जी। ओके, और एक भाई एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछना था मुझे यहाँ पे कि अगर कोई एशियन अरवाना को ऐड करता है, अभी मान लीजिए किसी को एशियन अरवाना ऐड करनी है, तो उनको क्या बचपन में ही मतलब जो बेबी साइज होती है वो ऐसे ही ऐड करनी है, बड़े होके भी वो ऐड कर सकते हैं टू अवॉइड द एग्रेशन इन फिशेस? अभी लाइक बेबीज है, बेबीज कैसा है कि अगर आप प्रॉपर केयर ले पा रहे जी हो जी जी, तो आप ऐड करिए जी, या तो फिर नॉर्मली 8-10 inches के अरवाना के लिए जाइए। ओके, तो इनको भी थोड़ा केयर लेना पड़ता है जी जी जी। टफ फिशेज है जी जी, बट थोड़ा बहुत तो केयर आपको लेना ही है, वाटर क्वालिटी वगैरह, फीडिंग। ओके, फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे अरवानास के लिए। ऑलराइट, तो ये जी जी जी। और रहा इनके टैंकवर्ड्स का सवाल जी जी, अगर ऐड करना है आपको जी, तो अरवानास आप ऐड कर रहे हो उसके साथ में 1-2 fish और ऐड करो कभी भी। अगले आप उसको अकेला अगर रखोगे बाद में सोचोगे ऐड करना है जी, तो थोड़ा टेरिटोरियल हो जाता है अरवाना बराबर। तो बेटर यही है कि साथ में 1-2 fish और ऐड कर दो, बाद में आपको इन फ्यूचर भी ऐड करने मिलेगा। तो ये थी अरवाना टाइप नंबर 6। अब हम बढ़ेंगे 7th अरवाना टाइप के ऊपर। अब हम देख रहे हैं 7th अरवाना टाइप। तो इसके अंदर आप देख सकते हो, तो ये वाली भाई कौन सी वाली है? अल्बाइनो सिल्वर अरवाना। अल्बाइनो सिल्वर अरवाना, तो सिल्वर अरवाना से क्या अलग होता है इनमें? जो इनका बॉडी का जो कलर है थोड़े अल्बिनो है, जैसे वाइट कलर है जी जी, रेड आइज है, और फिन वगैरह इनके रेड है नॉर्मल सिल्वर जैसे, लेकिन जो इनका कलरेशन है वाइट है। ओके, नॉर्मल सिल्वर जैसे सिल्वर और ब्लैकिश रहता है जी जी जी। और आपके पास भाई काफ़ी बड़े साइज के अल्बाइनो अरवानास है, जो देख के मैं काफ़ी स्टंट हो गया था, जो हम हमारे व्यूवर्स को अभी इनके बाद दिखाएंगे। तो यहाँ पे और एक अरवाना है जो हम पहले दिखा देते हैं, ये वाली कौन सी वाली है? सिल्वर अरवाना। सिल्वर अरवाना, और एक यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, काफ़ी सारे सिल्वर अरवाना से यहाँ पे नीचे भी हम देख सकते हैं। तो सिल्वर अरवानास तो भाई द मोस्ट कॉमन अरवाना, मोस्ट पॉपुलर अरवाना, लोग काफ़ी लोग ये रखते हैं अरवानास। तो अगर ये कोई रखता है तो इनमें टैंकमेट्स हम लोग क्या एशियन अरवानास डाल सकते हैं इनके साथ? एशियन अरवानास आप डाल सकते हैं इनके साथ में जी, जैसे मैंने पहले बताया कि इनको टैंक स्पेस चाहिए, इनको जी अपनी जी खुद की एक स्पेस चाहिए जी जी, और थोड़े एग्रेसिव है जी जी, टेरिटोरियल वगैरह थोड़े बहुत फाइट करते हैं, लेकिन कभी कभार कंपैटिबल लाइक थोड़ा टाइम जाता है इनको कंपैटिबिलिटी के लिए। ओके, और भाई अगर कोई वीडियो ये देख के अगर कोई अरवाना रखना चाहता है या जो ऑलरेडी रख रहा है बेबी अरवाना छोटे टैंक में, तो आपके हिसाब से क्या आप सजेस्ट करोगे, क्या एडवाइस दोगे कि अरवाना रखने के लिए
मिनिमम कितनी टैंक साइज उसने रखनी चाहिए सो दैट अगर उसको वही टैंक में उस अरवाना को ग्रो करना है, वही टैंक में उसे बड़ी करवाना है, तो कितनी मिनिमम वो रखे? अभी रहा सिल्वर अरवाना तो बहुत बड़े होते हैं जी जी, तो इनको एटलीस्ट 6 फीट टैंक तो चाहिए इनको, एटलीस्ट बहुत बड़े होते हैं जी 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 जी। बट आप एक 3 फीट से भी स्टार्टअप कर सकते हो अरवाना रखना आपको, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा अगर अरवाना पालना तो एशियन में जाओ जी जी। तो ऐसे अगर कोई बेबी अगर रख रहा है अगर 2 फीट या 3 फीट की, 2 फीट तो सर स्ट्रिक्ट नो नो मेरे हिसाब से, तो एटलीस्ट 3 या 4 फीट की रखे ऐसी अगर कोई अरवाना रख रहे तो बाद में वो अपग्रेड कर सकते हैं जब उनकी फिश जो है आउटग्रो करती है टैंक को। हाँ। तो बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि हम कब ये हमें पता चले, तो कैसे उनको पता चले कि अभी उनको रखना चाहिए जब वो मान लीजिए 3 फीट के टैंक में ये वाली अरवाना की साइज़ है, तो जब वो ये स्टेज पे पहुंचेगी ये साइज पे पहुंचेगी तब उनको रखना चाहिए, कौन सी साइज में मतलब पहुंचने के बाद उनको शिफ्ट करना चाहिए बड़ी टैंक में? अभी लाइक 3 फीट का जो टैंक साइज है जी, अभी अरवानास को छोटे से बड़े होने थे लाइक 12 इंच तक ये फटाफट साइज पकड़ते जी जी, जैसे 12 to 14 inch हो गए ये साइज इनके, वैसे आपका लाइक वो एक टाइम पीरियड आ गया कि टैंक चेंज करने का जी जी, आपका टाइम है ओके, पॉसिबली आप चेंज करोगे तो बेटर रहेगा। राइट, तो अब हम बढ़ेंगे मेन अट्रैक्शन ऑफ द वीडियो की तरफ जो है बड़े साइज के जायंट साइज के अरवानास। तो ये थे अरवाना टाइप नंबर 8 एट सूरज एक्वेरियम। तो यहाँ पे आप इस टैंक में देख सकते हो कि 2 बड़े अल्बाइनो अरवानास है और आप इनकी साइज देख सकते हो, खास करके ये जो सरफेस पे जो घूम रहा है इसकी साइज आप देख सकते हो, और इसके अंदर एक सिल्वर अरवाना भी है जो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सूरज भाई, अरवानास मेरी सबसे फेवरेट फिश है और बड़ी साइज़ की अरवानास जो है वो तो काफ़ी मुझे पसंद आती है, ऐसा लगता है देखते रहूँ उनको, तो इस अरवाना की आप साइज़ बताना चाहेंगे इस सिल्वर अरवाना की? ये 20 इंच का साइज़ है इसका, 20 इंचेस का ओके, मतलब 1.5 फीट से ज़्यादा है आराम से। और इसके अंदर ये एक एशियन अरवाना भी है, इसके स्केल्स तो काफ़ी कमाल के है, उठ के दिख रहे हैं। ये कौन सी एशियन अरवाना है? रेड चिली अरवाना अभी डेवलप हो रहा है ओके, और एक आध साल में और अच्छे कलर पकड़ने। तो ये थी एशियन अरवाना टाइप 9 एट सूरज एक्वेरियम। तो भाई इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे रेड चिली के बारे में? ये लास्ट वीडियो में भी आपने ये जो जी जी वीडियो निकाला था जी जी जी, वही पीस है, सेम पीस है ये ओके, रेड चिली अरवाना बोला जाता है इनको ओके, इसलिए जो इनका कलर है जी जी नॉर्मल अरवाना से बहुत ही डिफरेंट है। अच्छा, रेड होते हैं ये बड़े होके ओके, और ये अभी करीबन 1 ईयर ओल्ड है ओके, और थोड़े टाइम के बाद और अच्छा कलरेशन डेवलप हो जाएगा इनका ओके। और ये भी भाई कितनी बड़ी होगी फिर भी साइज में? 24 इंच तक तो जाते ही है टैंक में ओके। और स्केलिंग पैटर्न हम देख सकते हैं, स्केलिंग पैटर्न जो है काफ़ी खूबसूरत है, आप हर एक स्केल्स देख सकते हो। तो भाई बैक टू द अल्बाइनो अरवानास, यहाँ पे इसके अंदर जो दूसरी वाली है इसकी क्या साइज़ है? अराउंड 15 इंच की है। 15 इंचेस ओके। तो और एक बड़ी अरवाना है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे सूरज भाई के पास, इनके जो मॉन्स्टर टैंक है उसके अंदर जो है, तो ये है वो मॉन्स्टर फिश टैंक, और इसके अंदर आप देख सकते हो एक काफ़ी बड़ी अल्बाइनो अरवाना है जो देख के मैं काफ़ी स्टंड हो गया था, बिकॉज इसकी आप साइज़ देख सकते हो, मैं आपको ये दूर से दिखा रहा हूँ, बाद में मैं आपको पास जाके इसकी एक्चुअल साइज़ दिखाऊंगा। और इसकी जो ये साइज़ में भी इसकी जो स्केलिंग्स है वो भी एकदम प्रॉपर है, ना कहीं पे कट्स है ना कहीं पे कुछ स्पॉट्स वगैरह है। तो सूरज भाई इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? सबसे पहले साइज़ क्या है इसकी? अराउंड 28 इंचेस का साइज़ है इसका, 28 to 30 इंचेस का साइज़ है ओके, मतलब ऑलमोस्ट मैक्सिमम पहुँच चुकी है कि और बड़ी होगी, और बढ़ेगी इससे भी और बढ़ेगी, लेकिन टैंक में तो नहीं इतना हो पाएगा। अच्छा, नॉर्मली ये 3 फीट तक तो जाते ही है सिल्वर अरवाना ओके। ऐसी बड़ी साइज़ की अरवाना देखने को जब भी मिलती है मुझे काफ़ी मज़ा आता है, और ऐसा हमेशा लगता है कि उनको देखते रहो, बिकॉज जब अरवानास बड़े होते हैं तब बड़े होने के पीछे काफ़ी केयर होता है, उनके पीछे जो फूड उनको दिया जाता है, और अगर ऐसी आपको अरवाना देखने को मिलेगी जिसके स्केल्स पे कुछ भी स्पॉटिंग नहीं है और ना कहीं पे कट है, तो जाहिर सी बात है जिसने भी इनको इसको रखा रहेगा तो इस एक्चुअली उसने काफ़ी अच्छे तरह से उसको रखा है। तो सूरज भाई अभी आपने इस टैंक के अंदर इसके साथ ये जो रखे हो एशियन अरवाना, ये वाली कौन सी है? ब्लू बेस है जो हमने कवर की इसके पहले लास्ट वीडियो में ओके। तो ये वाली मैं बड़ी अरवाना आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, और यहाँ पे हम वीडियो एंड कर रहे हैं।
बट आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मॉन्स्टर फिश की वैरायटीज है उसके हम ऊपर हम एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे इस वीडियो के बाद जो अपलोड हो जाएगा, तो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो एज वेल। तो थैंक यू सूरज भाई आपकी अरवानास की जानकारी देने के लिए हमें। तो थैंक यू। तो जी, तो सूरज एक्वेरियम में हमने अराउंड 9 अरवाना फिश टाइप्स कवर किए। अगर आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इफ यू लाइक दिस टुडेज वीडियो डू हिट द थम्स अप बटन एंड स्टे ट्यून्ड टू वॉच सम मोर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस कमिंग सून ऑन एसजी इंसेप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। दिस वॉज द 9 अरवाना फिश टाइप्स अवेलेबल एट सूरज एक्वेरियम लोकेटेड इन वसई वेस्ट।